कमिंग क्लास फोर फाइव बी यूनिट के पेज नंबर 67 के कुछ बड़े सवाल थे डिवाइड वाले, वो मैंने देखो यंग कर दिए हैं, क्योंकि तो आप लोग घबरा रहे हैं कि बड़ी डिजिटों को कैसे डिवाइड करें। काम तो करना ही है, अगर आपने कर लिए हैं तो आप अपने चेक कर लें। तो जैसे 11 क्वेश्चन में 22 का डिवाइड था, 12 में 64 का था और 14 में 95 का था। तो ये आप अपनी कॉपी में इस तरह देख लेंगे और कर लेंगे। अब हम आपको 5C शुरू करते हैं। 5C में क्या है, इसमें 10 की डिवाइड है, 100 की डिवाइड है, 1000 की डिवाइड है, तो है सब वही तरीके से, लेकिन इसमें जीरो है तो आप आराम से इसको कर सकते हैं। तो जी आप अपना उतार लेना, हम इसको अब बिगाड़ देते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन है, इसमें 45 डिवाइड बाय 10। अब इसने इसमें पूछा है क्वोटिएंट क्या है, रिमाइंडर क्या है, तो हम कुछ नहीं पहले अपना 10 का डिवाइड देंगे जैसे हम ऑर्डिनरी देते हैं। जैसे 10 की टेबल पढ़ते हैं, 45 से ज्यादा ना हो तो 10 5 जा 50 हो गया, तो 10 4 जा 40। वैसे इसका दूसरा भी और नियम है, हम आपको सिंपल करके दिखा रहे हैं। अब इसके अंदर जैसे कोएफिशिएंट शब्द आया है तो ये हमारा कोएफिशिएंट 4 और रिमाइंडर इसका 5। ऐसे ही बी वाला है 595 डिवाइड बाय 10, तो हम फिर 10 का ऐसे डिवाइड अपना दे लेंगे, 595 देंगे। अब 10 की टेबल पहले पढ़ेंगे, 5 से ज्यादा ना हो तो 10 बन जा 10, ज्यादा हो गई। अब 59 हो गया तो हमारे 10 की टेबल पड़ी, 10 5 जा 50 और 10 6 जा 60, तो 10 5 जा 50, अब 9 आ गया 5, ऐसी ही 10 9 जा 90, तो हमारा 5, तो कोएफिशिएंट हो गया हमारा 59 और रिमाइंडर हो गया 5। तो अब हम चलते हैं डी वाले 100 वाले पर, 100 का कैसे करोगे, फोर 89 डिवाइड बाय 100। अब जैसे देखो अभी 10 का डिवाइड दे रहे थे तो अब 100 का देंगे, जीरो का बन जाएगा। अब 100 की टेबल पढ़ते हैं, 489 से ज्यादा ना, तो 100 4 जा 489 आ गया, तो हमारे पास कोएफिशिएंट इसका 4 और रिमाइंडर इसका 89। ऐसे ही थाउजेंड्स में भी है, तो अब देखो थाउजेंड्स के देख लो, एक और देख लो 100 का, हम देखते हैं ई वाला, तो 605 डिवाइड बाई 100। तो वैसे तो हम डायरेक्ट कह रहे थे कोएफिशिएंट हमारा 60 है और रिमाइंडर हमारा 65 है, तो हम कैसे आपको दिखाएंगे करके, जैसे 600 माइनस किया 60, ये 5, एक नंबर उतर कर आया है, तो हमारा इसका मतलब है एक बार और हम पढ़ेंगे तो 100 जीरो जा, तो मीन्स हमारे पास आ गया कोएफिशिएंट 60 और रिमाइंडर 65। ऐसे ही तीसरा है, इसमें थाउजेंड्स वाले में जी वाले में 8 9 4 2 डिवाइड बाई
थाउजेंड्स, तो थाउजेंड्स का करेंगे 8942, तो हम थाउजेंड्स का पढ़ेंगे तो थाउजेंड एट जा तो 8000 हो गया 942, तो क्वोटिएंट हमारे पास हो गया 8 और रिमाइंडर हो गया 942। तो आप ऐसे ही लिखते चले जाएंगे और करते चले जाएंगे ऐसे ही। अब दूसरा क्वेश्चन है, अब दूसरे क्वेश्चन के लिए आपको क्या करना है, जिसमें 20 का डिवाइड है, 60 का है, 90 का है, तो टेबल एक ही पढ़ेंगे। जैसे और ये आप लोग अपना होमवर्क करते रहिए, 15 अक्टूबर को आप यहां पर कॉपी लेकर आएंगे, मैं आपकी कॉपियां चेक करूंगा। ये सुन लो, गाइडलाइन आ चुकी है कि स्कूल 15 तारीख को खोल दिए जाए राज्य सरकार के निर्देश के अनुसार। तो अब आप समझ लो, हम आपसे बराबर कह रहे हैं कि 15 तारीख की तरफ हम आपकी कॉपी चेक करेंगे। 15 तारीख हम डेट फिर बता देंगे, आप अपने स्कूल में ले जाएंगे, हम कॉपी चेक करेंगे, हम खुद बैठे होंगे और आप अपनी कॉपी तुरंत ले जाएंगे, लेकिन टाइम टू टाइम। दूसरा क्वेश्चन ये वाला है, 20 का डिवाइड दे रहे हैं 376 में। अभी तक हमने बड़े आराम से 100 का, 10 का, 1000 का करा, अब यहां नहीं कर सकते, अब यहां हमें 20 की टेबल पढ़ने पड़ेगी, 2 की, ठीक है। तो 20 की टेबल ऐसी पढ़े 37 से, तो 22 या 40 होता है, तो 20 बन जाए, ये हमारे पास 17 आ गया 60। अब 2 की टेबल ही पढ़ो आप, 28 या 60, 17 से कम है, 28 या 60, जीरो का जीरो लगा दिया 6 1, अब हमारे पास क्वोटिएंट हो गया 18 और रिमाइंडर हो गया 16। ओके, ऐसे ही इसमें डी में है 90 का डिवाइड है, अब हम 90 टेबल को पढ़ेंगे 752, अब 9 8 जा 72, तो जीरो का जीरो लगा दिया 2 और 3, तो क्वोटिएंट हो गया हमारे पास 8 और रिमाइंडर हो गया 32। ऐसे ही 40 का है, 1981। अब हमें 4 की टेबल पढ़नी है, तो 4 की टेबल पढ़ेंगे, 19 से अधिक ना हो, तो 4 4 जा 16, ठीक है ना, 16 आ गया, और जी जीरो का जीरो 8 और 3, अब बनाया। अब 4 की टेबल पढ़ो, 38 से अधिक ना हो, तो 4 9 जा 36, और जीरो लगा दिया 1, अब 2, तो क्वोटिएंट आया हमारे पास 49 और रिमाइंडर आया 21। तो इस तरह से हमारी 5C एक्सरसाइज आप खत्म कर सकते हैं, तो आपको तैयारी खुद करनी पड़ेगी। अब 5D में आपको क्या करने हैं, प्रॉब्लम सम्स, तो वो हम आपको एक एक कराएंगे समझ के, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हम प्रॉब्लम लिखने में सक्षम नहीं होंगे, एक दो लिख देंगे, फिर आपको प्रॉब्लम आपको अपनी किताब से ही देख के करने पड़ेगी। आप डेली काम करते रहिए,